हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है इस चैनल में और इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में होंडा की नई 5-सीटर SUV का रिव्यू दूंगा, जो कि है होंडा WR-V का। मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू दूंगा कि ये 5-सीटर गाड़ी कैसी रहने वाली है, क्या इसका इंजन रहेगा, कैसा इंटीरियर रहने वाला है इस गाड़ी के अंदर, और बात करेंगे इसके लुक्स की, एक्सटीरियर की, एक्सटीरियर में आपको क्या क्या फीचर दिए गए हैं और इसके कितने इंचेस के लेवल रहेंगे, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे रहने वाली है गाड़ी। और इसी के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कब तक ये इंडिया में लॉन्च हो सकती है और क्या इसका प्राइस रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस SUV के एक्सटीरियर फीचर्स की। तो इस SUV के अंदर होंडा आपको इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर देगा, साथ में आपको पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर मिलेगा और आपको इसमें एंटीग्रेटेड एंटीना दिया गया है, रियर विंडो वाइपर मिलेगा और आपको एडजस्टेबल हेडलाइट्स देखने को इस SUV के अंदर मिलेंगी। और इसी के साथ साथ आपको फॉग लाइट्स देखने को मिलेंगी, पर आपको फ्रंट में ही LED के अंदर देखने को मिलेंगी। टेल लाइट टाइप आपको इसमें LED दी गई है और आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको टर्न इंडिकेटर इस SUV के अंदर मिलेगा, साथ ही में आपको रियर विंडो डिफोगर मिलेगा और आपको सेंट्रल माउंटेड फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसके अलॉय व्हील्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। साइज की बात करते हैं तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि रहने वाले हैं रेडियल टाइप के दोस्तों रहेंगे टायर। व्हील कवर की बात करें तो आपको इसमें व्हील कवर्स नहीं मिलेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इसके व्हील साइज की तो वो आपको R16 व्हील साइज इसमें देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ इसके एक्सटीरियर फीचर्स जो आपको इस SUV के अंदर मिलेंगे। लुक्स की बात करते हैं तो लुक्स के हिसाब से होंडा वालों ने इस SUV का लुक्स काफ़ी अच्छा रखा है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा इस गाड़ी का लुक। और बात करें अगर हम परफॉर्मेंस की इस SUV के, तो इसमें आपको फ्यूल टाइप रहेगा वो रहेगा पेट्रोल वेरिएंट का। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1498 cc का इंजन दिया गया है। पावर की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों 119 हॉर्स पावर मिलेगी और RPM एट मैक्स पावर की बात करें तो वो रहेगी 600 RPM के आपको मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगर हम इसके टोर्क्यू की तो इसमें आपको 145 Nm का टोर्क्यू मिलेगा और अगर हम बात करें RPM मैक्सिमम टोर्क्यू की तो वो आपको मिलेगा 4300 RPM का आपको मैक्सिमम टोर्क्यू देखने को मिलेगा। तो ये था इसके परफॉर्मेंस के बारे में कि आपको इसमें इंजन क्या मिलेगा, क्या इसकी पावर रहने वाली है इंजन की। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी की कि इसमें आपको क्या क्या सेफ्टी के फीचर्स देखने को मिलेंगे इस न्यू होंडा SUV के अंदर। तो इसमें आपको एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम दिया गया है, EBD मिलेगा, ड्राइवर एयरबैग और सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और इसी के साथ साथ आपको डे नाइट रियर व्यू मिरर और आपको इसमें रियर कैमरा, फ्रंट इंपैक्ट बीम्स, इंजन चेक वार्निंग और आपको इसमें इसी के साथ साथ इन सभी फीचर के साथ साथ आपको ब्रेक असिस्ट फीचर दिया गया है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम है, क्रैश सेंसर रहेगा, पैसेंजर एयरबैग रहेंगे और साइड एयरबैग फ्रंट में रहेगा और इसी के साथ साथ आपको इसमें रियर सीट बेल्ट मिलेंगी और आपको चाइल्ड सीट माउंट मिलेगा। पार्किंग सेंसर भी दिया गया है इस SUV के अंदर और इसी के साथ आपको इसमें रियर पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलेगा। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी है इस SUV के अंदर। तो ये थे दोस्तों इसके सारे सेफ्टी फीचर। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको सेंटर लॉकिंग दिया गया है, एंटी थीफ्ट डिवाइस भी मिलेगा और आपको पावर डॉक अनलॉक का फीचर भी दिया गया है और एंटी थीफ अलार्म भी आपको इस SUV के अंदर मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर्स भी काफी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे इस नई होंडा SUV के अंदर। अब हम बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ कि आपको इंटीरियर में क्या क्या मिलने वाला है। इंटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के फीचर्स के हिसाब से। तो इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगी जो मिलेगी आपको 7 इंचेस की। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्पीकर आपको फ्रंट में दिए गए हैं और कितने स्पीकर रहेंगे आपको इसमें टोटल 4 स्पीकर देखने को मिलेंगे। टच स्क्रीन डिस्प्ले रहेगी, USB और एक्सिलरी इनपुट दिया गया है, FM रेडियो भी दिया गया है, स्पीकर आपको रियर्स में मिलेंगे और इसी के साथ आपको इसमें वॉइस कंट्रोल के साथ आप अपनी डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन स्टेरिंग व्हील आपको इसमें दिया गया है। और फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं तो अंदर इंटीरियर में आपको एयर कंडीशनर दिया गया है, रियर AC वेंट्स दिए गए हैं, हीटर भी आपको इस कार के अंदर मिलेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा आपको डैशबोर्ड पे, बोतल होल्डर दिए गए हैं फ्रंट पे और रियर में आपको दोनों में बोतल होल्डर देखने को मिलेगा और आपको कप होल्डर रियर में आगे देखने को मिलेंगे और आपको पावर विंडो रियर और वेंट रियर मिरर। इसी के साथ साथ आपको इसमें एक्सेसरीज पावर आउटलेट मिलेगा, सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट मिलेगा, कप होल्डर फ्रंट में दिया गया है, कीलेस एंट्री होगी और पावर विंडो फ्रंट और आपको रियर रीडिंग लैंप भी आपको देखने को मिलेगी
और इसमें आपको ट्रंक लाइट भी देखने को मिलेंगी। तो ये थे कुछ इसके इंटीरियर के फीचर्स। बात करते हैं कुछ इसके स्टेयरिंग फीचर्स की। तो इसमें आपको लो फ्यूल वार्निंग लाइट दी गई है और डिजिटल आपको ओडोमीटर दिया गया है। इसी के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर दिया गया है, डिजिटल क्लॉक देखने को मिलेगी और टैकोमीटर आपको इसमें देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अब हम इस सीट्स की तरफ कि इसमें आपको सीट्स में क्या क्या कंफर्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं, रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है और सीट अगर हम बात करें किस चीज़ की रहेंगी, कैसी रहेंगी, तो वो रहेंगी फैब्रिक की सीट रहने वाली हैं और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट रहेगी, पावर सीट हेडसेट रहेगी और आपको फोल्डेबल रियर सीट आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी हद तक आपको इसमें सीट के फीचर्स भी दिए गए हैं ड्राइवर के लिए। तो ये थे कुछ फीचर्स इस होंडा SUV के अंदर। अब बात करते हैं कि होंडा की नई SUV कब तक लॉन्च होगी इंडिया में और इसका क्या प्राइस रहने वाला है। तो प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी का प्राइस दोस्तों 9 लाख से लेकर 13 लाख तक का रहेगा। स्टार्टिंग वेरिएंट रहेगा वो रहेगा 9 लाख का और सबसे हाई वेरिएंट दोस्तों रहेगा वो रहेगा 13 लाख तक का दोस्तों हाई वेरिएंट रहेगा। एस्टिमेट प्राइस है और जब शोरूम प्राइस आएगा तो मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। और लॉन्च डेट की बात करें, लॉन्च डेट रहेगी वो रहेगी मार्च में दोस्तों। ये होंडा अपनी न्यू SUV लॉन्च कर सकता है। और आपको कैसी लगी ये SUV होंडा की, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप कोई भी किसी भी कार पे रिव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा, उसकी भी डिटेल दूंगा कि उसका क्या प्राइस रहेगा, क्या क्या फीचर्स कार्स के अंदर रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।